Please hit the subscribe button and tap the bell icon for the future notification to watch more videos of latest fashions and trends. Thank you so much for your love and support. हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग वुमेन्स वर्ल्ड में आपके स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक नई डिजाइनर नेकलाइन, जिसे आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान से। आप ये कुर्ती, चूड़ीदार और अनारकली सूट ये किसी भी सूट के ऊपर ऐसे ही जम जाते हैं और ये पार्टीवेयर सूट के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चूड़ीदार का फ्रंट पैलन है, मैंने मेजरमेंट्स के साथ कट कर दिया है और इसके डिजाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स जो है कॉन्ट्रास्टेड कलर पाइपिंग और एक गोल्ड लेस 1 इंच का डिजाइनर लेस है और स्टोन वर्क फैब्रिक बटन्स। पहले हम इंटरफेसिंग बनाएंगे, इसके लिए मैं ये फ्यूजन यूज कर रही हूँ, आप बुकरम भी यूज कर सकते हैं। नेक की चौड़ाई जो है 3 इंच ले रही हूँ और लंबाई और नेक डीप के लिए 5 इंचेस ले रही हूँ। इसके ऊपर लीफ शेप डिजाइनिंग मैं मार्क कर रही हूँ। ये बॉक्स के ऊपर ऐसे यू शेप बनाते हुए नीचे थोड़ा एक्सटेंड करने का है। अब इंटरफेसिंग के लिए 1 इंच स्ट्रिप ले रही हूँ, तो 1 इंच से मार्क कीजिए ऐसे और मार्क किया हुआ लाइंस के ऊपर कट कर दीजिए। ऐसे दिखते हैं इंटरफेसिंग। अब मैं एक स्ट्रिप के ऊपर ग्लू साइड का फ्यूजन लगाते हुए इसके ऊपर से प्रेस करती हूँ। फ्रंट पैनल के ऊपर नेकलाइन रख के ऐसे मार्क कीजिए। अब ए बन गया हमारा रेफरेंस लाइन, तो हम अब लेस लगा लेते हैं इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर लाइन के ऊपर ऐसे रखते हुए लेस को ज्वाइन कर देते हैं। और मैं लेस लगाने के लिए 12 इंचेस ले रही हूँ। नीचे आते वक्त ऐसे ट्रायंगल शेप में हमको फोल्ड करने का है, फिर सेम वैसे ही दूसरे साइड भी रिपीट करने का है। अभी नीचे का जो शेप है ना, बहुत सुंदर से दिखती है। तो इतना जो लेंथ है ना, वो मैं ज्वाइन करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं सिलाई के साथ। फ्रंट पैनल के सेंटर ए लाइन जो है ना, इसके बाजू रखते हुए हमको स्टिच करने का है। थोड़ा नेक लाइन से आगे ऊपर रखते हुए स्टिच कीजिए। पहले हम अंदर की तरह सिलाई कर देते हैं, ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कीजिए। और इसके ऊपर से स्टिच कीजिए, फिर बिल्कुल वैसे ही सेंटर फोल्ड के बाजू से फिर से ट्रायंगल बनाते हुए इसके ऊपर से स्टिच कीजिए। इसका जो एंड शेप है ना, वो अच्छी तरह दिखती है। अब मैं आउटर साइड लेस के ऊपर भी स्टिच कर देती हूँ। अब इंटरफेसिंग जो है ना, इसके ऊपर राइट साइड रखते हुए बिल्कुल मार्किंग्स के ऊपर हमको स्टिच करने का है। स्टिचिंग हो चुकी है,
अब मैं इसके बाजू से कट कर देती हूँ। अब मैं स्लिट्स देती हूँ। अब इंटरफेसिंग रॉन्ग साइड फ्लिप कीजिए। और ये रहा हमारा नेकलाइन। अब मैं इन नेकलाइन के ऊपर पाइपिंग लगाती हूँ। एक कंसील्ड कॉर्ड पाइपिंग है। इसको बनाने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आपके सामने वीडियो लिंक है, आप देख सकते हैं। अब मैं पाइपिंग कॉर्डिंग को ऐसे नीचे रखते हुए टॉप स्टिच से मैंने पाइपिंग फूटर चेंज किया है और इसको ऐसे नीचे लगाते हैं, ऊपर से टॉप स्टिच कीजिए। सेंटर स्लिट तक आते ही डबल स्टिच कीजिए और एक्स्ट्रास को ट्रिम कीजिए। अब बिल्कुल वैसे ही दूसरे साइड भी मैं पाइपिंग लगा देती हूँ। लेस डिज़ाइन पाइपिंग के साथ हो चुकी है। इसके ऊपर अब हम डेकोरेशन करते हैं इस स्टोन वर्क फैब्रिक बटन्स के साथ। स्टोन वर्क फैब्रिक बटन्स इजी मेकिंग वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपके सामने है, क्लिक कीजिए और मेक कीजिए स्टोन वर्क फैब्रिक बटन्स आपके घर में, जो कि बिल्कुल आसान और इजी से बन जाती। सेंटर गैप में स्टिच कर देती हूँ। और फाइनली लेटेस्ट ट्रेंडिंग नेकलाइन ऐसे दिखते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल एंड इजी। आपको पसंद आए तो ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए। और ये पैटर्न कैसे हैं कमेंट करना मत भूलिए। और आपको डाउट सजेशंस है तो आप मुझे लिख सकती हैं। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए। लाइक कीजिए और देखते रहे अमेजिंग वुमेन्स वर्ल्ड चैनल। सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को टैप कीजिए, जिससे आपको मिलते हैं नोटिफिकेशंस मैं जब भी अपलोड करती हूँ। और आप देख सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग एंड फैशन एक ओवर आउटफिट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मीट यू ऑल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्ते, बाय फॉर नाउ।